4 लाख की शराब की खेप, 110 पेटी सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। कोतवाली विकास नगर के डाक पत्थर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कुंदन राम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 110 पेटी देशी शराब के, जो कि हरियाणा के करनाल से तस्करी कर लाई जा रही थी, शराब की खेप की डाक पत्थर बैराज के रास्ते आने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा बैराज से आने वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखनी शुरू कर दी। उसी दौरान उत्तर प्रदेश डंबर के एक छोटा हाथी प्रातः बैराज से निकला, जो संदिग्ध प्राप्त हुआ। पुलिस के द्वारा पीछा करते हुए रसूलपुर लाइन जीवनगढ़ पेट्रोल पंप के पीछे एक प्लॉट में पहले से ही खड़े ट्रक टाटा 407 मिलकर शराब की पेटियां लदवा रहे थे। पुलिस के द्वारा वाहनों को रोककर पूछताछ की गई और वाहन की तलाशी लेने पर छोटे हाथी से 56 पेटी देशी शराब तोहफा, ट्रक टाटा 407 से 54 पेटी देशी शराब तोहफा, कुल 110 पेटी बरामद की गई, जिसकी बाजारों कीमत लगभग 4 लाख रुपए आकी गई। पुलिस ने तीनों तस्करों और वाहन सहित शराब की खेप बरामद किया और उन्हें गिरफ्तार कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। नवभारत समाचार विकास नगर से विजयपाल सिंह भंडारी। प्रातः हमें जो है एक सूचना मिली थी कि हरियाणा करनाल से एक गाड़ी में जो है पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लिए एक गाड़ी छोटा हाथी देशी शराब लेकर आने वाला है। उस सूचना पर हमारे द्वारा एक छोटा हाथी व एक टाटा 407 वाहन को पकड़ा गया। वाहनों की तलाशी लेने पर दोनों वाहनों में से लगभग 110 पेटी शराब देशी शराब तोहफे बरामद हुई। इसके अतिरिक्त हमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो ये परिवहन करके लाए थे और ये शराब इनके द्वारा अलग अलग जगह पर एक हरिद्वार में और एक मेरठ ले जाई जानी थी और इसको वहाँ पर पहुँचाने के अवैध में इनको पैसे मिलने थे और इनके द्वारा इसके कीमत पहले ही वहाँ पे दे दी गई थी। सूचना पर लगातार हमारे द्वारा इस पर नज़र रखी जा रही थी और इसी के उसमें हमारे द्वारा इसको पकड़ लिया गया। सर, इसके जो वाहन स्वामी हैं, क्या इनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, आपके लिए अधिनियम के तहत जो वाहन स्वामी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इन तीनों में से जो अभियुक्त सोम है उसके वह खुद वाहन स्वामी है, उसके बिना भी जो है आपके लिए अधिनियम।